जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिका डम 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 डम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राशि अनुसार, खास करके मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। ये लोग जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राशि के अनुसार छोटा सा उपाय कर बड़े से बड़े कष्ट को दूर किया जा सकता है। और यदि आप राशि अनुसार कोई उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका जो फल होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लाल चंदन से पूजा करनी चाहिए। किससे? लाल चंदन से। मेष राशि वाले कृष्ण का श्रृंगार सिंदूरी वस्त्र से करें और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले जन्माष्टमी वाले दिन अपने हाथों से गाय को मूंग से बनी कोई वस्तु खिलाएं, या आप मूंग की दाल भी खिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी के दिन दूध से बनी हुई मिठाई या गुड़ का भोग लगाइए। और श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी वाले दिन जो कपड़े पहनाने हैं उसका ख्याल रखिएगा कि लाल या सिंदूरी वस्त्र ही पहनाने हैं आपको। ऐसा करने से मेष राशि वाले जातकों पर श्री कृष्ण की वर्ष भर कृपा बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पे आपको ये करना चाहिए। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो मंत्र होगा भगवान श्री कृष्ण का वो होगा ओम कमलनाथाय नमः। ओम कमलनाथाय नमः, ये आपका मंत्र होगा। अब हम आते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के जातक खास करके संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंदन लगाएं, ये उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातक अपने हाथों से गाय को शक्कर या चीनी से बनी हुई कोई वस्तु खिलाएं, और साथ ही साथ आप श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी वाले दिन पंजीरी और माखन मिश्री का भोग लगाइए और श्री कृष्ण जी को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाइए। ऐसा करने से वृषभ राशि वाले जातक पर भगवान श्री कृष्ण जी का अनमोल आशीर्वाद वर्ष भर बना रहेगा। और वृषभ राशि वाले जातक श्री कृष्णाष्टक का पाठ कीजिए और उनको सफ़ेद फूल चढ़ाइएगा। वृषभ राशि के जातक, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को आप माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइएगा और सफ़ेद वस्त्र का जो आपको श्रृंगार करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी जल और मंजरी ज़रूर चढ़ाएं, ये आपके लिए खास है। मिथुन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर वाले दिन जो हैं हाथों से गाय को चने की बनी कोई वस्तु खिलाइए और चने का दाल खिलाएं। और भगवान श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी के दिन पंचमेवा, केले और मक्खन आदि का भोग लगा सकते हैं। और श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी वाले दिन हरे रंग के कपड़े पहनाइए। अब ऐसा करने से मिथुन राशि के जातक पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। और मिथुन राशि वाले, आपका जो मंत्र होगा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का वो होगा ओम गोविंदाय नमः। क्या होगा मंत्र? ओम गोविंदाय नमः। तो मक्खन बड़े का भी भोग आप लगा सकते हैं मिथुन राशि वाले, सिर्फ ध्यान रखिएगा हरे वस्त्र का श्रृंगार का। तो मैंने तीनों राशियों का आपको बताया और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com से ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जेन्युइन मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।